वेलकम टू द सिविल जॉइंट। इन दिस लेक्चर वी विल कवर लॉ एंड टेल्ड मैकेक। स्टार्ट करते हैं। लॉ एंड टेल्ड मैकेक, जिसको वांडरू भी कहा जाता है, वांडरू साउथ इंडिया में कहा जाता है इसको वांडरू, और देखा जाए तो साउथ इंडिया में ही ये मिलता है गाइस। इंडेंजर स्पीसीज है IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग, याद रखिए इंडेंजर, जो IUCN जो रेड लिस्ट पब्लिश करती है उसके अंदर ये इंडेंजर्ड है, ठीक है। हैबिटेट इसके देख लेते हैं कहाँ है। ये ड्यूरनल आर्बोरियल एनिमल है, मतलब दिन में ज़्यादा निकलता है और पेड़ों पर रहता है, ज़्यादातर अपर कैनोपी जो पेड़ों का ऊपर वाला एरिया होता है वहाँ रहता है, ठीक है। और जो प्राइमरी कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में, और इनको और कहीं कहीं ये मॉनसून फॉरेस्ट में भी पाया जाता है, हिली एरिया के जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर भी पाया जाता है, ठीक है। और अगर डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट की बात करें तो ये कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला इन एरिया पाया जाता है, बेसिकली वेस्टर्न घाट रीजन में पाया जाता है। वेस्टर्न घाट के अंदर इंडेमिक है ये, ठीक है, इंडेमिक है ये वेस्टर्न घाट में, ठीक है। इंडेमिक का गाइस मतलब जो होता है, एक स्पीसी पर्टिकुलर इसी एरिया में पाई जाती है, उस स्पीसीज को इंडेमिक कहा जाता है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में इंडेमिक है, याद रखिएगा, MCQs बन सकते हैं यहाँ से, सीधा पूछते हैं ये इंडेमिक है वेस्टर्न घाट का या नहीं है, ऐसे कुछ करके स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। थ्रेट अगर देखा जाए तो इसका क्या है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है इसके हैबिटेट का, लॉगिंग जो होती है पेड़ काट के लॉगिंग की जाती है, उससे इसको बहुत नुकसान हो रहा है। फार्मलैंड जो फॉरेस्ट एरिया, उसको फार्मलैंड बना दिया जा रहा है किसी खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और जो लॉगिंग होते हैं उनसे जो फ्रूट खाते हैं उसकी कमी हो जाती है, जिससे ये भूख के मारे मर जाते हैं, ठीक है। और जो एग्जॉट प्लांटेशन लगाया जा रहा है फॉरेस्ट काट के, टी, इक्यूलिप्टस, कॉफ़ी के प्लांटेशन लगाया जा रहा है वेस्टर्न घाट में, जिससे इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, ठीक है। हंटिंग भी की जाती है, वहाँ की जो ट्राइबल है उनको वो फूड के लिए भी खाते हैं वहाँ पर इनको, और मेडिसिन यूज़ माना जाता है इनका, मेडिकल यूज़ भी है, मेडिसिन में इनका यूज़ किया जाता है इनके पार्ट्स का, इस वजह से इनकी हंटिंग भी की जाती है। और पेट ट्रेड के लिए, जो पेट ट्रेड होता है, लोग बाग जो होते हैं, पेट ट्रेड में भी इनको यूज़ किया जाता है, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट है। कंजर्वेशन एफर्ट देखिए इनमें क्या क्या किया जाता है, जो साइट्स है, जो उसके अपेंडिक्स वन में इसको रखा गया है, मतलब इसका जो ट्रेड है वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। जो पेट के लिए जो कह रहे हैं ना, मैंने बताया अभी, जो पेट ट्रेड, ठीक है, पेट ट्रेड इसके अंदर इसके लिए प्रोहिबिटेड है। साइट क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। गाइज याद रखिएगा, फौना एंड फ्लोरा दोनों ही है, ठीक है, फौना और फ्लोरा। फौना मतलब एनिमल, ठीक है, और फौना मतलब, फ्लोरा मतलब प्लांट, ठीक है, याद रखिएगा। 1973 में ये कन्वेंशन हुआ था, इसके अंदर जो ट्रेड होता था, इंटरनेशनल ट्रेड होता था एंडेंजर स्पीसीज का, वो प्रोहिबिटेड है, तो अपेंडिक्स वन के अंदर इसको प्रोहिबिट किया गया है। और जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ये अपना नेशनल एक्ट है, उसके अंदर इसको शेड्यूल पार्ट वन में रखा गया है, शेड्यूल वन के पार्ट वन में, मतलब एक्सट्रीमली प्रोहिबिटेड है इसकी हंटिंग, ट्रेड वगैरह जो भी है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग। अनलाइक अदर मैकेक, ये अवॉइड करता है ह्यूमन को, जो दूसरे बंदर होते हैं देखा जाए तो नॉर्मली घुल मिल जाते हैं ह्यूमन्स के अंदर, पर ये नहीं मिलते हैं ह्यूमन्स के साथ, मतलब आइसोलेटेड में रहता है ये, उनसे घुलते मिलते नहीं हैं। और फीचर देखा जाए तो जो इनकी समस्या और बढ़ा देते हैं, तो देखा जाए तो जो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है इनकी, वो क्या है गाइस, लार्ज इंटर बर्थ पीरियड है, मतलब जो एक इनके जो बेबी होते हैं वो एक होने के बाद दूसरा जो बेबी होता है वो बहुत टाइम बाद होता है, ठीक है, इस वजह से इनको दिक्कत होती है, इनकी पॉपुलेशन डेंजर में है। फीमेल कॉम्पिटिशन है फॉर मेटिंग के लिए, मतलब जो मेटिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो इस वजह से भी इनमें जो है इनकी पॉपुलेशन कम है, ठीक है गाइस, याद रखिएगा। ये लॉ एंड टेल्ड मैकेक के बारे में, एंडेंजर्ड है, हैबिटेट लॉस हो रहा है इसका, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, मॉनसून फॉरेस्ट में भी पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में एंडेमिक है, हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन, हंटिंग, पेट ट्रेड, और साइट्स में अपेंडिक्स वन, और वाइल्ड लाइफ एक्ट में 1972 का जो है उसमें शेड्यूल वन में। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइप, सेव ट्री एंड सेव एनिमल्स।